यह जोधपुर का आइलाना लेक, कायलाना, कायलाना कायलाना, कायलाना अच्छा कायलाना लेक। चलिए एक तो चल रहा है, आनंद प्याऊ। तो ये कहाँ मिलता है? ये आपके जैसलमेर में रेत के नीचे, रेत के नीचे पत्थर, जिप्सम, जिप्सम होती है। हाँ, जिप्सम के भी नीचे पत्थर होता है वो। अच्छा, वो नीचे गहराई से निकाल जाता है उस पत्थर को। अच्छा, और उस पत्थर से ग्लास बनाते हैं। हाँ, तो आपने तीन बीमारी कह दिया उसे, जोड़ों का दर्द और बीपी और डायबिटीज। डायबिटीज मतलब पानी रख के पी जाए उसको, रात भर छोड़ दें, रात भर उसको गिलास को भर के रख दीजिए। हाँ, सुबह उठते ही सबसे पहले काम होगी कि ये उसको पीने का, पानी पी जाए। अच्छा, तो वो क्या चीज होती है ये नहीं पता? उसको पत्थर बोलते, आबूरी पत्थर बोलते उसको। आगोई आगोरी वो बहुत नीचे से निकलता है, कहीं इग्नियस रॉक तो नहीं है? उसमें दो ही कलर आते हैं, कलर भी है उसमें। हाँ, दो कलर आते हैं उसमें, एक गोल्डन। हाँ, और एक गोल्डन प्लस ब्लैक मिक्स। अरे वाह, देखें ये है राजस्थान के ऊंट सड़क पर। हम गायों को सड़क पर देखते हैं, यहाँ ऊंट सड़क पे दिख रहे हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर इस पर बैठना पड़ा तो कहाँ बैठा जाएगा। विंडमिल, तो ये विंडमिल से क्या कर रहे हैं? ये पानी निकाल रहे हैं, बिजली बना रहे हैं। धीरे धीरे चल रहे हैं, उसके बाद भी इससे बिजली बनती है? कोई हमको समझ नहीं आता है कि इतना धीरे चलता है, नीचे जो छोटा मोटा कोई चीज होगा वो ज़्यादा तेजी से घूमता होगा। एक राउंड लेने में 20-25 राउंड कर लेता होगा, कुछ तो होगा। हैं, चलते हैं फिर। तिराहे से हम लोग दूसरी तरफ मुड़ लिए, उस साइड जो रास्ता था वो पोखरण की तरफ जाता था, और ये हमने जैसलमेर का रास्ता चुना है। तो हम जैसलमेर जा रहे हैं, और यहाँ से कितना किलोमीटर होगा जैसलमेर? 120, यहाँ से 120 किलोमीटर है जैसलमेर। आप देख सकते हैं पोखरण को दूसरे साइड बता रहे हैं। ये यहाँ पे जैसलमेर के पत्थर के बने हुए मकान हैं। ये देखिए अब कितने खूबसूरत लग रहे हैं मकान, गोल्डन पत्थर के। इस पत्थर का नाम है गोल्डन पत्थर, और ये सारे मकान भी गोल्डन है बिल्कुल। आप देखिए, ये हमारे ड्राइवर साहब बता रहे हैं कि इसे पेंट कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, खर्चा बच जाए हर साल का सालाना खर्चा। गेट देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये
ये है यहाँ का खजूर का फार्म, और यहाँ से बाहर भी जाते हैं खजूर, एक्सपोर्ट भी होता होगा, काफ़ी बड़ा फार्म है। खाने पीने का इंतजाम है। ये देखिए अब हम इस गेट पर आ पहुँचे हैं और हम जैसलमेर में एंटर कर रहे हैं, और चूंकि ये गोल्डन सिटी है तो आप देख सकते हैं हम स्वर्ण नगरी जा रहे हैं, और हमारी हमारे स्वागत के लिए ये गेट खड़ा है। अभी आगे देखते हैं और कौन कौन स्वागत करते हैं हमारी। अब हम यहाँ पे एक वॉर म्यूज़ियम में पहुँच चुके हैं, मिलिट्री वालों का है ये, तो उसे हम देखने जा रहे हैं। ये देखिए जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम, और ये सारे मिलिट्री वाले हैं, इतनी सारी बसेस खड़ी हैं, काफ़ी लोग आए हुए हैं, काफ़ी टूरिस्ट हैं यहाँ पे। और बसेस ही नहीं, अगर आप देखें तो गाड़ियों की भी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत भीड़ होगी शायद अंदर। चलिए देखते हैं, अगर उन्होंने ये वीडियोग्राफी करने दी तो मैं वहाँ के अंदर की चीज़ें दिखाऊंगी, अदरवाइज नहीं दिखा पाऊंगी। करने देते हैं, कह रहे हैं ड्राइवर भैया कि करने देते हैं, हम देखते हैं। यहाँ पे एक आदमी को अंदर जाने दे रहे हैं टिकट लेने के लिए, टिकट ले करके फिर वह बाहर आएंगे, फिर हम अंदर जा पाएंगे। और यहाँ चेकिंग का काउंटर है, अगर बड़ा बैग है तो चेकिंग करानी पड़ती है। हम लोगों ने कोई गाइड नहीं लिया है, इसलिए मैं यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो दिखला रही हूँ, उसका क्या महत्व है या क्यों है ये अभी मैं आपको नहीं बता पाऊँगी। आप देख लीजिए ये वॉर म्यूज़ियम है, और वहाँ है ये जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम लिखा हुआ, उस तरह से आप उधर भी देख सकते हैं, बहुत सारे टैंक्स हैं उधर भी। धूप भी बहुत तेज़ है, तो वीडियो में क्या आ रहा है ये मुझे भी नहीं पता चल पा रहा है, जो कि बिल्कुल शाइन कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस तरफ भी आप देख लीजिए, सारे जीप और टैंक्स यहाँ हैं, और उधर लॉन्जे वाला हॉल है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी तो फोटो खिंचवा लेते हैं, फिर आपके सामने आते हैं। परमवीर चक्र नायक जादुनाथ सिंह, ये है परमवीर चक्र मेजर सैतान सिंह, जोधपुर कुमाऊं रेजिमेंट। ये देखिए ये सारे, मैं कोशिश कर रही हूँ वीडियो लेने की, मैं सच बताऊँ इतनी ज़्यादा धूप है, क्योंकि एक बज रहा है और बिल्कुल मुझे इस मोबाइल में क्या रिकॉर्ड हो रहा है मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अंदाज से मैं इस मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, शायद सब कुछ सही बन जाएगा। मैंने तो इन टैंक्स को सिर्फ टीवी में देखा है या मूवीज़ में देखा है, इवन दिल्ली का हमने 26 जनवरी नहीं देखा, तो वहाँ भी ये टैंक्स नहीं देखे हैं हमने। यहाँ पे पहली बार मैं फुल टैंक देख रही हूँ बिल्कुल सामने, कितना बड़ा होता है, कैसे चक्के होते हैं, पता नहीं इसमें कैसे लोग चढ़ते हैं और कैसे गोलाबारी करते हैं। क्या आप उधर भी देख सकते हैं, ढेर सारे टैंक्स हैं और ट्रक्स हैं। यहाँ गाने भी सारे देशभक्ति वाले बज रहे हैं। यहाँ एक सिंगल सा शायद इसमें जो गोले भर के डाले जाते थे वो है ये, मैं आपको यहाँ ऊपर से फ़ोटो लेके दिखलाती हूँ, ये ऊपर से फ़ोटो लेके दिखलाती हूँ इसकी। ये है APC टोपाज, और अब हम चलते हैं लॉन्जे वाला हॉल में, देखते हैं यहाँ क्या है।
माइलस्टोन्स, हीरोज, और ये हैं सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, परमवीर चक्र 17 हॉर्स, रॉकेट लॉन्चर डिटैचमेंट ऑन प्रॉल फॉर एम्प्टी टैंक्स। देखिए ये है मार्टियर्स ऑफ राजस्थान, इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई और इसका नाम है श्रद्धांजलि स्थल। और ये है हमारा तिरंगा झंडा। छोटा सा मूवी शो है जो लोग दिखला रहे हैं वॉरियर्स का। संकट के समय में कैसे ये लड़ाई करते हैं जब सैनिक, और ये जीप। मूवी अच्छी थी, बहुत बढ़िया। और ये एक थोड़ा सा यहाँ पे आपको कुछ ले जाने के लिए सुवेनियर्स मिलते हैं। अभी तो हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि हमें देर हो जाएगी पहुँचने में। घर भी आपको होटल लगेगी, होटल की तरह लगेंगे। हम लोग जैसलमेर में एंटर कर गए। जैसलमेर में एंट्री होगी। ये जो पत्थर है ये गोल्डन पत्थर है पूरा, और आपके लिए अपना देखना बिल्डिंग जो बनी हुई है उन पर झरोगे जो लगे हुए हैं ना, सारे गोल्डन पत्थर के बने हुए पिलर्स। गोल्डन ये सब फोर्ट है पहाड़ पे। हाँ जी, ये फोर्ट है, ये पूरा फोर्ट है। ये फोर्ट पूरा रेस्टोरेंट वगैरह उसे बना रखे हैं, अंदर आदमी रहते भी हैं सब। अच्छा। होटल रेस्टोरेंट वगैरह सब अंदर ही बना रखे हैं। यहाँ के देखिए खिड़कियों की खासियत है, हादसे होती है ना, कारीगरी हो रही है ये हादसे की जाती है। जैसा कि मुझे बताया जा रहा है जो खिड़कियों पे कारीगरी है वो स्टोन जो है वो सॉफ्ट होता है तो हाथ से उस पर कारीगरी की जाती है। अब ये देखिए आप खिड़कियाँ अलग से थोड़ी बाहर निकली हुई और कारीगरी की हुई खिड़कियाँ हैं ये। सारे बिल्डिंग्स वॉल्स सब इस गोल्डन पत्थर के बने हुए हैं, और ये जो गोल्डन पत्थर है ये एक्चुअली
येलो सैंडस्टोन है और इसी गोल्डन कलर के कारण इस शहर का नाम गोल्डन सिटी पड़ा है। देखिए सब कुछ गोल्ड गोल्ड। इस साइड भी अलग से बाहर निकली हुई हैं और उन पे पूरी कशदाकारी। और ये यहाँ का होटल मैरियट, ये भी यहीं के अंदाज में है।